हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौसिया हेयर। वेलकम बैक टू माय चैनल आर्टफुल इमेजिनेशन। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड। तो आज मैं बना जा रही हूँ अपने बेटे का स्कूल प्रोजेक्ट, जो कि एक मटकी है इस जन्माष्टमी में। और ये दरअसल बच्चों का टास्क नहीं होता है, ये बच्चों की मम्मीज़ का टास्क होता है, जो कि टीचर्स देते हैं स्कूल वाले। तो मेरे पास एक पुरानी मटकी पड़ी थी घर पे, तो मैंने उसको फिर से रिक्रिएट किया है। तो सबसे पहले इसके जो पहले के पेंट थे वो पूरी अच्छी तरह से ढक जाएँ, तो इसके लिए मैंने एक वाइट पेंट अप्लाई किया है पूरे मटकी में। और इसके ऊपर वाले पार्ट को मैंने डार्क पिंक शेड कलर से किया है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरा मन कर रहा था मैं पूरे मटकी को ही डार्क पिंक शेड कलर से कर दूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसको अच्छा लुक देना था, थोड़ा सा डिफरेंट। तो मैंने इसको पूरे में नहीं किया, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, मैंने नीचे बेस में भी यही डार्क पिंक शेड कलर यूज़ किया। अब मैं सोच रही थी कि ये जो बाकी का वाइट पार्ट है, इस पर मैं गोल्डन कलर यूज़ करूँगी, जो कि बहुत ही प्यारा लगेगा। और इसके ऊपर फिर मैं गोल्डन लेस यूज़ करूँगी, तो इसके साथ मैच भी करेगा और अच्छा आएगा। फिर मैंने इसके ढक्कन पे भी यही डार्क पिंक शेड कलर यूज़ किया। इसके अंदर के पार्ट को मैंने छोड़ दिया था, लेकिन बाद में फिर मुझसे रहा नहीं गया, फिर मैंने वहाँ पे भी डार्क पिंक शेड कलर ही लगाया है। तो ये गोल्डन कलर जब मैं लगा रही थी तो मुझे बहुत ही पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब मैंने इसको पूरे ये जो वाइट पार्ट दिख रहा है आपको मटके का, इस पर जब मैंने इसको लगाया पूरे में, तो फिर ये मुझे अच्छा लगने लगा। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरे गोल्डन कलर का जो आइडिया है वो कैसा लगा है, क्योंकि पूरे जगह जब मैंने इसको अप्लाई किया तब ये मुझे अच्छा लगने लगा। नहीं तो स्टार्टिंग में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे लगा था मैंने गलती कर दी, लेकिन इट लुक्स गुड। तो इस पे गोल्डन कलर लगाने के बाद मैं इसे थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी, देन उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर लेस अप्लाई करूँगी, चिपकाऊँगी ग्लू गन की हेल्प से। यहाँ पे मैंने एक लेस ली है और लेस में छोटे छोटे से फ्लावर्स थे, तो मैंने उसको कट कर लिया है, ताकि मैं जब इसमें लेस लगाऊँगी, लेस लगाने के बाद जो मटके में जगह बचेगी तो वहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए तो ये रहा मेरा लेस, अब मैं इसे यहाँ पे लगा दूँगी। ये पिंक कलर जो है, जो हमारा बेस है उसके ऊपर से। गाइज, लाइट आ जा रही थी और मुझे बहुत परेशानी हुई है इस लेस को लगाने में, क्योंकि इसके अंदर का जो ग्लू था वो सूख जा रहा था, फिर भी फाइनली मैंने लगा दिया। अब मैं थोड़ी सी जगह छोड़ के इसके ऊपर भी वही लेस यूज़ करूँगी। गाइज, मैंने कुछ भी ख़रीदा नहीं है, मेरे घर में जो लेस पड़ी थी मैंने उसी का यूज़ किया है। मैंने मटकी बनाने के लिए कुछ भी बाहर से यूज़ नहीं किया है, कुछ ख़रीदा नहीं है, जो घर की चीज़ें थी मैंने बस उसी को यूज़ करके इसको बना दिया है। मैंने ढक्कन पे भी वही सेम लेस यूज़ किया है। अब ढक्कन का जो ऊपर का पार्ट आपको दिख रहा है गोल्डन कलर का, ये बाद में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने इसको पिंक कलर कर दिया। और पिंक कलर जो मैंने किया तो मैंने सही किया, ये क्योंकि अच्छा लग रहा था, ये मुझे गोल्डन अच्छा नहीं लगा, फिर दोबारा से मैंने इसको पिंक कलर किया। अब इसके बाद मुझे कुछ भी करने का नहीं मन कर रहा था इस ढक्कन के ऊपर, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लाओ यार एक मोर की पंखुड़ी बना देती हूँ। तो ये लास्ट आइडिया आया मुझे कि मैं मोर की एक पंखुड़ी बना देती हूँ, ताकि और अच्छा लगे। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जो मेरा आइडिया था लास्ट वाला, ये आपको कैसा लगा। यहाँ पर मैंने एक मोर की पंखुड़ी बनाई है, और ये अच्छा लग रहा है, बढ़िया। तो ये है मेरा फाइनल लुक, और
मैंने क्या किया है कि एक के लेस की हेल्प से बच्चे का नाम पेस्ट कर दिया है, सेलो टेप से मैंने चिपका दिया है ताकि पता चले कि किस बच्चे का है, क्योंकि मटकी बहुत सारी मटकी होगी वहाँ पे, तो ये स्कूल की तरफ से इंस्ट्रक्शन था इस तरह से आप इसको ज़रूर लगा दें। और ये रही मेरी बांसुरी। तो गाइज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये मटकी आपको कैसी लगी। बाय बाय।